नमस्कार दोस्तों, मैं ऋतुराज पारिक आप सबका हमारे अपने YouTube चैनल सुपर आरपी इंग्लिश पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल तक हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस एंड पास्ट कंटिन्यूअस की बातें कर ली थी और पिछली वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि आगे जो सेशन आएगा उसमें हम जो मिक्स सेंटेंस आते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस के एंड प्रेजेंट इंडेफिनेट के, पास्ट कंटिन्यूअस के एंड पास्ट इंडेफिनेट के, जो मिक्स टाइप के सेंटेंस आते हैं एग्जाम की दृष्टि से बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, उन सेंटेंसेस के बारे में हम जिक्र करेंगे। तो हमारा ज़्यादा वक्त ज़ाया ना करते हुए डायरेक्ट हमारे टॉपिक पे आते हैं और शुरुआत करते हैं इस खूबसूरत सफ़र की। तो देखो, आज मैं आपके सामने प्यारे बच्चों लेकर आया हूँ पास्ट इंडेफिनेट एंड पास्ट कंटिन्यूअस के सेंटेंस, पास्ट इंडेफिनेट वर्सेस पास्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, पास्ट इंडेफिनेट एंड पास्ट कंटिन्यूअस दोनों के स्ट्रक्चर में आपके सामने लेके आया हूँ। देखो कैसे क्वेश्चन आते हैं, एक तरफ तो होता है पास्ट इंडेफिनिट और एक तरफ होता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, इस प्रकार से इनके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक साइड में पास्ट इंडेफिनिट होगा तो दूसरी साइड में पास्ट कंटिन्यूअस आएगा, एक साइड में अगर पास्ट कंटिन्यूअस होगा तो दूसरी साइड में पास्ट इंडेफिनिट आएगा। कैसे आएगा, ध्यान से मैं मेरी बात को अगर आप एक बार गौर करके सुनोगे एक वाक्य को, जैसे मैं बोलूं कि जब मैं पढ़ रहा था लाइट चली गई, जब मैं पढ़ रहा था लाइट चली गई, यानी कि एक सेंटेंसेस में ये है ना कि जब मैं पढ़ रहा था, ये वाला वाक्य तो है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में, और लाइट चली गई ये वाला वाक्य है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। देखो ध्यान से, देखो मैं बताता हूँ इस सेंटेंस को हिंदी में लिख के बताता हूँ कि जब मैं पढ़ रहा था लाइट चली गई। ठीक है, इसमें दो प्रकार के सेंटेंस हैं दोस्तों, ध्यान से अगर हम इसको देखें तो एक तो है जब मैं पढ़ रहा था ये वाला, ये तो आप सबको पता चल रहा है कि पास्ट में कोई काम जारी था हमारा, और क्या काम जारी था प्यारे बच्चों, पढ़ने का। तो ये वाला वाक्य किस टेंस में आ गया, पास्ट कंटिन्यूअस में। ठीक है, और लाइट चली गई ये वाला वाक्य किस में है, पास्ट इंडेफिनिट। क्यों पास्ट इंडेफिनिट में क्यों है, क्योंकि इसका अर्थ देखो लास्ट में क्या है, चली गई, चलना, चली गई, चली जा चुकी। ठीक है, जैसे मैं बोलूँ खाना खाया खा चुका, पीना पिया पी चुका, पहुँचना पहुँचा पहुँच चुका, यानी सेकंड फॉर्म का अर्थ देखो आप बार बार में क्या आ रहा है। ठीक है, जैसे मैं बोलूँ कि जब हम वहाँ पहुँचे, एक सेंटेंस और लिखूँ मैं कि जब हम वहाँ पहुँचे वे टीवी देख रहे थे। ध्यान से इस सेंटेंस को और देखो, जब हम वहां पहुंचे वे टीवी देख रहे थे, एक तो ये सेंटेंस है जब हम वहां पहुंचे, एक है वे टीवी देख रहे थे, ये वाला वाक्य तो हम सबको पता है कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में पक्का ही है। ठीक है, क्योंकि टीवी देखने का काम पास्ट में जारी था। ठीक है, लेकिन अगर इसका जिक्र करें हम, जब हम वहां पहुंचे, पहुंचना पहुंचे और पहुंच चुके, सेकंड फॉर्म का अर्थ दे रहे, ठीक है ना, पहुंचना पहुंचे और पहुंच चुके, ये जो पहुंचे ये कौन सी फॉर्म है यहाँ पे, सेकंड फॉर्म। और हम सबको पता है प्यारे बच्चों कि सेकंड फॉर्म केवल एक ही टेंस में लगती है, और वो कौन से टेंस में लगती है, पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट जो टेंस होता है उसमें ही केवल सेकंड फॉर्म लगती है। कुछ एग्जांपल और बता रहा हूँ, जैसे मैं बोलूँ कि जब मैं कमरे की सफाई कर रहा था मुझे एक डिब्बा मिला, मिलना मिला मिल चुका, मिला, समझ में आ रही है ना, सेकंड फॉर्म कार दे रहा है। इसमें दो टाइप के सेंटेंस है, जब मैं कमरे की सफाई कर रहा था ये वाला सेंटेंस जो है ये तो है पास्ट कंटिन्यूअस में, मुझे एक डिब्बा मिला ये वाला सेंटेंस है प्यारे बच्चों पास्ट इंडेफिनिट में। मेरी बातें आपको सही समझ में आ गई होंगी। ठीक है, एक छोटी सी बात और बताते हैं आप लोगों को, कुछ वर्ब्स होती हैं जो केवल स्टेटिक होती हैं, उनको स्टेटिक वर्ब बोला जाता है। ठीक है, और स्टेटिक वर्ब का अर्थ क्या होता है बच्चों, जो केवल एक सेकंड के लिए हो, जो केवल एक सेकंड के लिए, दो सेकंड के लिए, या कुछ पल के लिए हो, जो कंटिन्यू चले ना, लगातार ना चले। जिसमें बोलूँ मेरे से मिला, मैं ऐसे नहीं बोल रहा वो मेरे से मिल रहा था, ऐसे तो नहीं बोल सकता वो मेरे से मिला, मैं वहाँ पहुँच रहा था ऐसा तो नहीं हो सकता, मैं वहाँ पहुँचा ऐसा ही होगा। यानी ये जो वर्ब है ये स्टेटिक वर्ब हैं, बातें समझ में आ गई होंगी आप लोगों को। ठीक है, जैसे मैं बोलूँ कि जब मैं पढ़ रहा था एक बच्चे ने पत्थर फेंका, पत्थर फेंकना, फेंकना, फेंका और फेंक चुका, सेकंड फॉर्म कार दे रहा है। इसका मतलब जब मैं पढ़ रहा था ये वाला जो वाक्य है ये तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का है, एक बच्चे ने पत्थर फेंका ये वाला वाक्य किसका है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है, क्योंकि इसमें कौन सी फॉर्म का अर्थ आ रहा है, सेकंड फॉर्म का अर्थ आ रहा है।
बातें समझ में आई आप लोगों को? ठीक है, तो ये जो है ये कुछ स्टेटिक वर्ब होती हैं। क्या होता है कि एक काम तो लगातार जारी होता है और एक अचानक बीच में होता है। ठीक है, जैसे मैं बोलूँ कि जब मैं गाड़ी चला रहा था अचानक एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट हो गया। ठीक है, ऐसे नहीं बोल सकते कि एक्सीडेंट हो रहा था, यानी एक काम तो जारी था एक बीच में हुआ है। ऐसी बातों के लिए हमेशा पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का जोड़ा यूज किया जाता है। ठीक है, अब इस हमारे वाक्यों पे आते हैं डायरेक्ट। आपको बहुत सारे वाक्य मैं आपके सामने लेकर आया हूँ, ठीक है, और उनसे आपको बातें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है बच्चों, अब देखो ये वाली जो बातें हैं ये तो मैं मिटा रहा हूँ यहाँ से। ठीक है, अगर हम ध्यान से समझेंगे तो ये वाला वाक्य जो है ये बहुत अच्छे हैं और बहुत सारे एग्जाम में इनको पूछा भी जाता है। ठीक है, आपकी सारी क्वेरी में क्लियर करूंगा। पहला वाक्य देखो, सी खालिस्तान सी मी व्हेन आई वॉज पासिंग बाई हर। सी खालिस्तान सी मी, उसने मुझे देखा। एस डब्ल्यू सी का अर्थ होता है प्यारे बच्चों देखना, एस डब्ल्यू सी सा एंड सीन। ये जो सी वर्ब है ना ये इसका अर्थ होता है देखना, और ये वर्ब कभी भी कंटिन्यू टेंस में यूज नहीं हो सकती। ठीक है, यानी कंटिन्यू टेंस में यूज होने का अर्थ हो गया इसके साथ कभी क्या नहीं लग सकता, आई एन जी नहीं लग सकती, क्योंकि कंटिन्यू में तो कौन सी वर्ब लगती है, आई एन जी फॉर्म लगती है, लेकिन सी के साथ कभी भी आई एन जी नहीं लग सकता। देख वैसे सी के दो अर्थ निकलते हैं प्यारे बच्चों, देखते हैं। सी का एक अर्थ होता है मिलना, सी मीन्स देखना भी होता है और सी मीन्स मिलना भी होता है। ये जो सब चीज़ें हैं आई एन जी में यूज नहीं हो सकती। ये जो चीज़ें हैं मैं आपको एक अलग से टॉपिक में पढ़ाऊंगा, नेक्स्ट वीडियो हमारा इसी का आएगा। इन्हें बोलते हैं वर्ब्स ऑफ परसेप्शन, वर्ब्स ऑफ परसेप्शन बोलते हैं, यानी कि हमारी जो इंद्रियों से संबंधित वर्ब है, जैसे मैं बोलूँ बिलीव, हेट, लव, सी, रिमेंबर, माइंड, ठीक है, हैव, ऑन, पजेज, इस प्रकार की जो वर्ब है ना बिलोंग, ये कभी भी कंटिन्यू टेंस में यूज नहीं ली जा सकती। ठीक है, और कंटिन्यू टेंस में यूज लिए जाने का अर्थ है प्यारे बच्चों इनके साथ कभी आई एन जी नहीं लग सकता, क्योंकि कंटिन्यू में तो कौन सी फॉर्म लगती है मैन वर्ब की, कल बताया था आप लोगों को, मैन वर्ब की फॉर्म लगती है फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी। बातें समझ में आई है? सी के दो अर्थ होते हैं, देखना भी होता है मिलना भी होता है। कैसे क्या यूज कब होता है कब नहीं होता है ये हम अगले वीडियो में इसका जिक्र करेंगे, आज के लिए केवल इतना आपको बताया मैंने। ठीक है, तो सी सा और सीन ये इनका अर्थ निकलता है। ठीक है, सी मीन्स देखना, सा मीन्स देखा और सीन मीन्स देख चुका। ठीक है, अब इस वाक्य को देखते हैं, सी सा मी उसने मुझे देखा व्हेन आई वॉज पासिंग बाई हर। पास बाई का अर्थ क्या है, गुजरना। ठीक है, पी ए डबल एस बी वाई, पास बाई का अर्थ है नजदीक से गुजरना। ठीक है, नजदीक से गुजरना ये फॉर्म होती है। देखो दो तीन फॉर्म होती है, पी ए डबल एस बी वाई, पास बाई मीन्स नजदीक से गुजरना, एक होती है पी ए डबल एस ई डी, पास थ्रू, इसका अर्थ होता है किसी घिरी हुई चीज के अंदर से गुजरना। कोई भी चीज जो घिरी हुई चीज होती है, जैसे मैं ऐसे बोलूं कि द लॉइन पास्ट थ्रू द जंगल या फॉरेस्ट। ठीक है, फॉरेस्ट को अगर सामान्य जंगल हम इंग्लिश में यूज ले सकते हैं इसमें। ठीक है, जैसे मैं बोलूं कि द ट्रेन पास्ट थ्रू द टनल, टनल मीन्स होता है बच्चों सुरंग, टी यू डबल एन ई एल। ठीक है, तो पास्ट थ्रू का अर्थ क्या होता है, से गुजरना, किसी चीज के अंदर से गुजरना। ठीक है, तो ये और भी होते हैं, ये हम बाकी जिक्र करेंगे इनका हम प्रेपोजिशन पढ़ते टाइम। ठीक है, तो इसका क्या अर्थ निकल गया कि उसने मुझे देखा जब मैं उसके नजदीक से गुजरा, जब उसके पास से गुजरा, तो ये तो वाक्य जो है ये तो है कंटिन्यूस टेंस का। ठीक है, गुजरा और उसने मुझे देखा, इसका मतलब ये वाला वाक्य किस टेंस का है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। तो इसमें कौन सी फॉर्म भरी जाएगी, सी सा मी व्हेन आई वॉज पासिंग बाई हर। सी सा मी व्हेन आई वॉज पासिंग बाई हर, और सा क्यों बड़ा प्यारे बच्चों मैंने, क्योंकि सा है मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म, और मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म जो है वो हमेशा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लगती है। दूसरी बात, ये सेकंड फॉर्म का अर्थ भी दे रहा है, उसने मुझे देखा, यानी कि ये कौन सी फॉर्म है, देखना, देखा और देख चुका, सेकेंड फॉर्म अर्थ है ना। ठीक है, तो ये आपको बातें समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट देखें, व्हेन सी केम टू मी, जब वो मेरे पास आई, when she came, came कौन सी फॉर्म है बच्चों, सेकेंड फॉर्म, कम केम और कम वापिस बन जाती है। ठीक है, अगर आपको बताया जाए थोड़ा सा, C-O-M-E, कम, C-A-M-E एंड C-O-M-E, कम केम और कम। ठीक है, बातें समझ में आई आप लोगों को, कम केम और कम, यानी कि when she came to me, जब वह मेरे पास आई, आई खालिस्तान talk to my brother, ठीक है, टॉक टू माई ब्रदर, मैं मेरे भाई से बात कर रहा था।
मैं मेरे भाई से बात कर रहा था। तो आपको अगर इस वाक्य को अगर ध्यान से अगर समझा जाए तो ये वाला जो वाक्य है प्यारे बच्चों, ये तो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, और ये वाला जो वाक्य है ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का। तो इसमें कौन सी फॉर्म आएगी? आई के साथ क्या लगेगा बच्चों? वॉज, और वॉज टॉक की आई एन जी फॉर्म, टी ए एल के आई एन जी, ठीक है, वॉज टॉकिंग। ठीक है, मैं इसको मिटा रहा हूँ। मैं यहाँ से हमने देखा है पास बाई नज़दीक से गुजरना, एंड पास थ्रू किसी गिरी हुई चीज के अंदर से गुजरना, और भी पास से संबंधित होती है लेकिन सीखेंगे हम प्रीपोजिशन में। तो इसका आंसर होगा बच्चों वॉज टॉकिंग, आई वॉज टॉकिंग टू माई ब्रदर, इसका आंसर होगा वॉज टॉकिंग, टी ए एल के आई एन जी। ठीक है, क्योंकि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में आई के साथ क्या लगता है? वॉज लगता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, इट वॉज रेनिंग, इट वॉज रेनिंग, वर्षा हो रही थी, वर्षा हो रही थी, यानी कि ये काम तो कौन सा टेंस है? कंटिन्यूअस टेंस का है ये जो वाक्य है। क्यों? क्योंकि वर्षा होने का काम जारी था, लगातार था। इट वॉज रेनिंग, वर्षा हो रही थी, वेन वी रीच द स्टेशन, जब हम स्टेशन पहुंचे, वेन वी रीच द स्टेशन, जब हम स्टेशन पहुंचे वर्षा हो रही थी। तो आप एक बार इसको वही वाक्य जो हम मैंने शुरुआत में बताई थी ना, उसी वाक्य के रूल फॉलो हो रहे हैं। जब हम स्टेशन पहुंचे, ये वाला वाक्य जो है ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है, पहुंचना, पहुंचे, पहुंच चुके हैं। ठीक है, तो इसमें सेकंड फॉर्म का अर्थ आ रहा है, ये वाला पास्ट इंडेफिनिट का है। वर्षा हो रही थी, ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। इस प्रकार के मिक्सअप सेंटेंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अगर प्यारे बच्चों इसमें किया जाए, इट वॉज रेनिंग वेन वी रीच की सेकंड फॉर्म भरी जाएगी यहाँ पे, आर ई ए सी एच ई डी, वेन वी रीच दी स्टेशन, रीच रीच एंड रीच्ड। ठीक है, वेन वी अराइव्ड, अराइव का अर्थ भी क्या होता है प्यारे बच्चों? पहुंचना। ठीक है, वेन वी अराइव्ड, जब हम पहुंचे, ये वाला ये जो वाक्य है ये कौन से टेंस का वाक्य है? पास्ट इंडेफिनिट का। क्यों है? क्योंकि इसमें सेकंड फॉर्म का अर्थ है, सेकंड फॉर्म दे रखी है। ठीक है, वेन वी अराइव्ड, जब हम पहुंचे, दे वर खालिस्तान टैंक डिनर, वो क्या कर रहे थे? डिनर कर रहे थे। ठीक है, डिनर होता है रात का खाना। ठीक है, तो दे इसके साथ वर तो मैंने पहले ही लगा दिया, दे वर, और टैक की आई एन जी फॉर्म क्या हो जाएगी बच्चों? दे वर टेकिंग डिनर, दे वर टेकिंग डिनर, वेन वी अराइव्ड, जब हम पहुंचे, ये एक तो ये वाक्य है, दे वर टेकिंग डिनर। नेक्स्ट देखो, लार्ज क्राउड्स वेट एट द स्टेशन वेन द रेलवे मिनिस्टर अराइव्ड, जब रेलवे मिनिस्टर अराइव मीन्स पहुंचा। ठीक है, पहुंचना, अराइव, अराइव्ड एंड अराइव्ड। ठीक है, यानी कि देखो वर्ब दो प्रकार की होती हैं, एक तो जैसे ये वर्ब लिखूं अराइव, अराइव्ड एंड अराइव्ड। ठीक है, ये तो हो गई एक वर्ब, एक लिख दूं मैं जैसे गो, वेंट और गोन, एक में लिख दूं जैसे कम, केम और प्यारे बच्चों कम। अब इन सब में अर्थ देखो इनका, ये जो वर्ब है ना अराइव, अराइव्ड और अराइव्ड, ये तो इसके आगे ईडी लगाने से बन गई, लेकिन ये जो है ना ये अलग अलग है इनकी, गो वेंट गोन, कम केम कम। तो वर्ब जो है मेन वर्ब दो तरीके से बनती है, उसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म से हम बनाते हैं उनको, या तो आगे ईडी लगा के बना दो। जो ईडी लगा के बनाई जाती है ना, वो जैसे रीच की, रिच्ड एंड रिच्ड, कई बोलते हैं रिचर्ड, रिचर्ड नहीं बोला जाता है बच्चों, क्या होता है? रिच्ड। ठीक है, तो जो ईडी लगा के बनाई जाती है ना, वो उनको कहा जाता है रेगुलर वर्ब, उनको अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? रेगुलर वर्ब। और 95% जो वर्ब होती हैं वो रेगुलर ही होती हैं। वर्ब का जब सेशन करवाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें वर्ब के बारे में बताएंगे। और जो ये अलग अलग बनती है ना, जिनमें ये ईडी का रूल फॉलो नहीं होता है, इनको बोलते हैं इररेगुलर वर्ब, यानी कि जो रेगुलर नहीं होती हैं। बातें क्लियर हुई आप लोगों को? ठीक है, तो देखो, लार्ज क्राउड्स खालिस्तान वेट एट द स्टेशन वेन द रेलवे मिनिस्टर अराइव्ड, जब रेलवे मिनिस्टर पहुंचा तो बड़ी संख्या में भीड़ क्या कर रही थी? उनका इंतजार कर रही थी। लार्ज क्राउड्स, क्या नाम आया? क्राउड्स, तो सिंगुलर है या प्लूरल है? आप सोच के बताओ, प्लूरल है, बिल्कुल प्लूरल है, क्योंकि क्या लगा हुआ इसके साथ? एस लगा हुआ है। तो लार्ज क्राउड्स के साथ क्या लगेगा बच्चों? वर, और वर और आगे क्या है? वेट है हमारा, तो वेट का क्या हो जाएगा? डब्ल्यू ए आई टी आई एन जी, यानी वर वेटिंग, वर वेटिंग, लार्ज क्राउड्स वर वेटिंग एट द स्टेशन When the railway minister arrived. Next देखते हैं, the light went out means चली गई, went, second form है ना ये, go, went, gone. अभी बताइए आप लोगों को, the light went out, light चली गई, while जब I खालिस्तान read a novel. देखो while से भी जुड़ सकता है और when से भी जुड़ सकता है, जहाँ while से जुड़ेगा ना वहाँ तो while के साथ तो continuous tense पक्का ही आएगा। ठीक है, ये याद रख लो, while के साथ तो continuous आना ही आना है। तो the light went out, जब light चली गई,
तो ये वाला वाक्य जो है ये कौन से टेंस का वाक्य है प्यारे बच्चों, ये तो है पास्ट इंडेफिनेट का। क्यों है? क्योंकि इसमें क्या फॉर्म दे रखी है, सेकंड फॉर्म। लाइट चली गई, और कब चली गई? जब मैं एक नोवेल पढ़ रहा था। तो आई के साथ क्या लगेगा? वॉच, और रीड की आई एन जी फॉर्म क्या हो गई? रीडिंग, आर ई ए डी आई एन जी, रीडिंग। ठीक है, द लाइट वेंट आउट व्हाइल आई वॉज रीडिंग ए नोवेल। नेक्स्ट देखते हैं, वेन आई खालिस्तान सी हर, सी खालिस्तान प्ले हॉकी, इसका अर्थ क्या है? वेन आई सी हर, जब मैंने उसे देखा, जब मैंने उसे देखा। सी तो वर्ब है, कभी कंटिन्यू में यूज नहीं होगी। सी खालिस्तान प्ले हॉकी, वह क्या खेल रही थी? हॉकी खेल रही थी। तो देखो, दो प्रकार के संदेश बन गए बच्चों, कौन कौन से बन गए? जब मैंने उसे देखा, ये वाला वाक्य जो है ये पास्ट इंडेफिनिट का है। दूसरा है, वह हॉकी खेल रही थी, ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। ठीक है, तो देखो वेन आई, तो यहाँ पे ये तो पास्ट इंडेफिनिट का है बच्चों, तो इसमें क्या भरेंगे? वेन आई सा हर, सी की सेकंड फॉर्म क्या होती है? सा। वेन आई सा हर, जब मैंने उसे देखा। सी खालिस्तान प्ले हॉकी, सी के साथ क्या लगेगा? वोज, और प्ले की आई एन जी फॉर्म क्या हो जाएगी? प्लेइंग, सी वोज प्लेइंग हॉकी। नेक्स्ट देखते हैं, वेन सी खालिस्तान सेट आउट, सेट, सेट का अर्थ क्या होता है? एस ई टी, सेट का अर्थ है रवाना होना, सेट आउट। देखो ध्यान से, देखो ये वर्ब बता रहा हूँ मैं, ठीक है, एस ई टी ओ यू टी, सेट आउट का अर्थ होता है रवाना होना। ठीक है, रवाना होना, याद रखना इस बात को आप लोगों को, सेट आउट मीन्स रवाना होना। जब मैं, वेन सी खालिस्तान सेट आउट द सन खालिस्तान साइन, तो ऐसे नहीं है कि सूर्य को अचानक से चमका, सूर्य तो चमक रहा था, साइनिंग हो रही थी। ठीक है, ये बोल रहा है कि जब मैं घर से रवाना हुआ, या जब मैं रवाना हुआ तो सूर्य चमक रहा था, यानी कि सूर्य जो है वो निकला हुआ था। ठीक है, उसका प्रकाश बिखर रहा था, साइनिंग हो रही थी। ठीक है, तो कौन सा वाक्य पास्ट कंटिन्यूअस में और कौन सा पास्ट इंडेफिनिट में, आप खुद बता दोगे मेरे को। जैसे मैं दोबारा बोलता हूँ आपके सामने, जब मैं घर से निकला या रवाना हुआ, सूरज चमक रहा था, तो आपको पता चला है कि जब मैं रवाना हुआ, ये वाला जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है, और सूर्य चमक रहा था, ये वाला जो वाक्य है प्यारे बच्चों, ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। बातें क्लियर हुई आप लोगों को? तो अपने आप कर दोगे आप तो इसको। वेन सी खालिस्तान, और सेट एक ऐसी वर्ब है बच्चों जिसकी तीनों फॉर्म एक जैसी होती हैं, सेट, सेट और सेट। ठीक है, सेट, सेट और सेट, तीनों फॉर्म एक जैसी होती हैं, सेट, सेट एंड सेट। बहुत सारी वर्ब होती हैं जैसे कट, 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 पुट, 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 ये आगे बताएंगे आप लोगों को। तो वेन सी खालिस्तान, इसकी सेकंड फॉर्म सेट ही होती है, सेट आउट द सन खालिस्तान, सन वॉज एंड साइनिंग का एस एच आई एन आई एन जी। ठीक है, ये ई हटा के क्या लगा दो इसके आगे? आई एन जी लगा दो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, माई वाइफ कट हर फिंगर, कट की तीनों फॉर्म भी एक जैसी होती हैं, वाइल सी खालिस्तान बटर द ब्रेड। बटर दो अर्थ होते हैं, देखो बटर, बटर मीन्स एक तो मक्खन होता है, बटर मीन्स मक, जैसे कल मैंने बताया था ना आप लोगों को, एक वर्ब और बताई थी वाटर, वाटर मीन्स पानी भी होता है बच्चों, एंड वाटर मीन्स पानी देना भी होता है। ठीक है, यानी कि वर्ब भी है और नाउन भी है। ठीक है, मेटेरियल नाउन बोलते हैं, द्रववाचक संज्ञा। वैसे बटर अगर मक्खन के रूप में अर्थ निकलेगा, केवल मक्खन के रूप में, तब तो इसका ये नाउन है अपने आप में, लेकिन जैसे ही इसका अर्थ निकलेगा मक्खन लगाना, ठीक है, तो ये वर्ब के रूप में अपना अर्थ देगी। ठीक है, तो माई वाइफ कट हर फिंगर, यानी कि मेरी वाइफ की अंगुली कट गई, अंगुली कट गई जब वह ब्रेड पर क्या लगा रही थी? बटर लगा रही थी, यानी कि जब उनको मक्खन लगा रही थी उस टाइम अंगुली कट गई। तो लगा रही थी और अंगुली कट गई, एक काम हो रहा था, दूसरा बीच में अचानक हो गया। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कौन से टेंस में है। तो ये इसमें सेकंड फॉर्म आएगी, माय वाइफ कट हर फिंगर व्हाइल सी है वॉज, डब्ल्यू ए एस वॉज, एंड इसके मैं आगे लिख देता हूँ इसका आंसर। ठीक है, ये मिटा रहे हैं, वॉज बी यू डबल टी ई आर आई एन जी, वॉज बटरिंग, वॉज बटरिंग। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, रवि हिज वाइफ एंड चिल्ड्रेन, रवि हिज वाइफ एंड चिल्ड्रेन। ठीक है, चिल्ड्रेन्स नहीं होता है बच्चों, क्या होता है? चिल्ड्रेन। रवि उसकी पत्नी और उसके बच्चे कम टू सी अस ओनली 10 मिनट्स अगो। ये तो केवल एक सिंगल सेंटेंस है बच्चों, और आप इसको पहचान ही गए होंगे, है ना? नहीं पहचान गए हो तो देख लो एक बार इसको दोबारा से, रवि हिज वाइफ एंड चिल्ड्रेन कम टू सी अस ओनली 10 मिनट्स अगो। मैंने एक एडवर्ब बताया था पास्ट इंडेफिनेट करवाते टाइम, पास्ट इंडेफिनेट करवाते टाइम मैंने आपको एक एडवर्ब बताया था, और एडवर्ब बताए थे अगो, लास्ट, येस्टरडे, द प्रीवियस डे एंड बिफोर। दोबारा बोलते हैं मेरे साथ साथ बोलो, अगो, लास्ट, yesterday, the previous day और before।
अगर ये नाम कहीं पे भी आए तो हमेशा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज होता है, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अर्थ हो गया या तो बच्चों मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म या फिर डिड प्लस मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। बातें क्लियर हुई, कोई दिक्कत? आगे देखते हैं, रवि हिज वाइफ एंड चिल्ड्रेन, तो ये तो वाक्य क्लियर सी बात है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का हो गया, जिसमें कोई दिक्कत नहीं है हमारे, ठीक है। इसमें सेकंड फॉर्म लगेगी, और कम की सेकंड फॉर्म क्या होती है, अभी आपको बताया था सी ए एम ई। और नेक्स्ट देखते हैं, अलेक्जेंडर खालिस्तान इन्वेड इंडिया 2000 ईयर्स अगो, फिर इसमें क्या नाम आ गया, अगो, ठीक है। इन्वेड का अर्थ क्या होता है बच्चों, पता है, इन्वेड करना, यानी इन्वेडर, इन्वेडर का अर्थ होता है आक्रमण करता, और इन्वेड का अर्थ होता है आक्रमण करना, आई एन वी ए डी ई, इन्वेड का अर्थ है आक्रमण करना, आक्रमण करना, ठीक है। इसका दूसरा अगर सिनोनिम बताया जाए आप लोगों को, तो अटैक करना किसी के ऊपर, ठीक है, किसी पर अटैक करना, ठीक है। मैं आपको इसके सेंटेंस एक और बताऊंगा अभी, पहले इस बात को एक बार छोड़ के यहीं पे एक समय बताऊँ, ये वाला जो वाक्य है इसका आंसर था, ये मिटा रहा हूँ मैं, वो स्टॉकिंग वो मिटा रहा हूँ यहाँ से, ठीक है। आप यहाँ पे इसका नया बताता हूँ मैं, हम सोचते ऐसा है, देखो ये क्वेश्चन कई बार आया है, द एनिमी अटैक्ड ऑन मी, या फिर इसी सेंटेंस का द एनिमी अटैक्ड मी, ठीक है। और आगे अगर थोड़ा सा और लिखूं मैं, तो लास्ट नाइट, ठीक है, इसमें यही बात है, लास्ट नाइट। अब देखो इन दोनों सेंटेंस को गौर से देखो, ठीक है, गौर से देखो इसको, आपको पता चलेगा द एनिमी अटैक्ड, कौन सी फॉर्म आई है बच्चों, सेकंड फॉर्म। वो सेकंड फॉर्म क्यों आई है, लास्ट नाइट की वजह से, मैंने अभी बताया था लास्ट नाम आ गया ना, लास्ट नाइट, लास्ट डे, लास्ट अगो, यस्टरडे, बिफोर एंड प्रीवियस, लास्ट नाम आते कौन सा टेंस लगेगा, पास्ट इंडेफिनिट, और पास्ट इंडेफिनिट का अर्थ क्या होता है प्यारे बच्चों, मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म अर्थ होता है, ठीक है। तो देखो अटैक्ड, लेकिन थोड़ी सी इसमें दिक्कत है, अटैक्ड ऑन मी, और नीचे वाले में क्या दिया है, द एनिमी अटैक्ड मी। अब देखो अटैक्ड ऑन मी या अटैक्ड मी, मेरे ऊपर आक्रमण किया, इसका अर्थ मैं बता देता हूँ आप लोगों को, शत्रु ने, दुश्मन ने कल रात मेरे पर आक्रमण किया, और अब आप बताओ कि दोनों में से कौन सा सही है, आपके 15 सेकंड का टाइम आप लोगों के लिए, ध्यान से बताओ आप क्या पर का अर्थ लगाओगे, आपने सुंदर कहा ऑन मीन्स होता है पर, ओ एन ऑन मीन्स पर, द एनिमी अटैक्ड ऑन मी, द एनिमी अटैक्ड मी। बहुत सारे बच्चे मन में सोच रहे हैं कि अटैक ऑन तो लगेगा, ऐसा सोच रहे होंगे ना आप लोग, लेकिन ये गलत सोच रहे हो आप लोग, ठीक है, लेकिन ये आप क्या सोच रहे हो, गलत सोच रहे हो, द एनिमी अटैक्ड ऑन मी कभी नहीं होता है, क्या होता है, द एनिमी अटैक्ड मी, कभी भी अटैक के साथ और इन्वेड के साथ ऑन का यूज नहीं किया जाता। मैं आपको क्या बात बताना चाह रहा हूँ, कभी भी अटैक के साथ और इन्वेड के साथ, इनके साथ, दोनों के साथ, ठीक है, ऑन का यूज कभी भी नहीं किया जाता। अब ध्यान से देख लो, यहाँ दिया है क्या, अलेक्जेंडर, अलेक्जेंडर को तो आप लोग जानते ही होंगे, सिकंदर, अलेक्जेंडर इन्वेड, इन्वेड ऑन इंडिया दे थोड़ी दे रखा है, क्या दे रखा है, इन्वेडेड, इन्वेड इंडिया 2000 ईयर्स अगो, यानी कि 2000 साल पहले। सिकंदर के बारे में तो आप लोग जानते होंगे, है ना, सिकंदर जिसने भारत पर आक्रमण किया था, ठीक है, और मगध के राजा वहाँ पे, उस टाइम चाणक्य के बारे में आप लोगों ने और सुना होगा, चाणक्य जिसने अर्थशास्त्र एक पुस्तक की रचना की थी प्यारे बच्चों, और कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि अर्थशास्त्र जो पुस्तक है वो किससे संबंधित है, तो ये अर्थशास्त्र से संबंधित नहीं है, ये है राजनीति से संबंधित, ठीक है, ये किससे है, राजनीति से संबंधित है, ठीक है। और चाणक्य ने क्या किया था उस टाइम, सिकंदर के आक्रमण को रोकने के लिए, सिकंदर को हराने के लिए, एक छोटे बच्चे को, ठीक है, वहाँ का सम्राट बनाया, कहाँ का, मगध का सम्राट, ठीक है, मगध राज्य का सम्राट बनाया, और सिकंदर को वहाँ से हराकर भेजा, और वो मगध राज्य का जो सम्राट था वो था चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, मगध की राजगद्दी पर बैठने वाला कौन था, मौर्य सम्राट, चंद्रगुप्त मौर्य। हालांकि बाद में चंद्रगुप्त मौर्य ने जो चाणक्य थे उनके गुरु माना जाते हैं उनको वहाँ से निकाल दिया था, ठीक है, वो तो इतिहास की बातें हैं, लेकिन केवल आपको इतना से याद रखना है, और जो सिकंदर था वो एक यूनानी शासक था, ग्रीक शासक, ठीक है, बातें समझ में आई है आप लोगों को। तो अलेक्जेंडर इन्वेड इंडिया 2000 ईयर्स अगो, ठीक है, तो अगो नाम आया है, तो इन्वेड की सेकेंड फॉर्म भर दो, यहाँ पे सिंपल सी बात है, आई एन वी ए डी ई डी, इन्वेडिड, ठीक है।
दोस्तों हमने यहाँ तक सीख लिया है कि इनवेड के साथ और अटैक के साथ कभी भी ऑन का प्रयोग नहीं किया जाता। गलती से हमारे एग्ज़ाम में अटैक और इनवेड के साथ ऑन लगाया हुआ होता है और हमें लगता भी है कि ऑन लगेगा, लेकिन हकीकत में अगर ग्रामर के रूल अप्लाई करके देखें तो वहाँ पे कभी भी ऑन नहीं लगेगा। ये गलती आपको खास तौर से ध्यान रखनी है, ठीक है। ये सुपरफ्लूस बोलते हैं इसको, सुपरफ्लूस का होता है जो आवश्यकता से अधिक है, जो रिडंडेंट है, रिडंडेंट भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो हमने इन्वेड के बारे में सीखा। नेक्स्ट हमारा जो 12 नंबर सेंटेंस था वो हमने मैंने ऊपर कर लिया है भाई, ठीक है। नीचे आपको मैंने सोचा दिखाई नहीं देगा तो मैंने ऊपर लिख लिया है, वेन आई सा हिम ही खालिस्तान सिंग एंड स्मोक। देखो ये वाला सेंटेंस है, बड़ा अच्छा सेंटेंस है कि जब मैंने उसे देखा, वेन आई सा हिम। एक तो ये सेंटेंस है बच्चों, और ये तो कौन से टेंस में है, पास्ट है, इंडेफिनिट में है, ये तो सबको पता है। ये तो कौन से टेंस में, पास्ट इंडेफिनिट में, क्योंकि क्योंकि इसमें सा सेकेंड फॉर्म आई है। बातें समझ में आई? सी सा सिंग ही खालिस्तान सिंग एंड स्मोकिंग, वह गा रहा था और स्मोकिंग कर रहा था, ठीक है। तो ही के साथ क्या लगेगा, वॉज, और सिंग की कौन सी फॉर्म आएगी, आई एन जी, ही वॉज सिंगिंग एंड स्मोकिंग। अब गलती यहाँ होती है, हम दोबारा से यहाँ वॉज लगाने की कोशिश करते हैं, ही वॉज सिंगिंग एंड वॉज स्मोकिंग, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। केवल एक ही बार लगेगी हेल्पिंग वर्ब, तो ही वॉज सिंगिंग एंड स्मोकिंग, मैन वर्ब दो दो आ सकती हैं, ठीक है, जैसे इस सेंटेंस में आई है। तो मेरे हिसाब से सेंटेंस क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। नेक्स्ट अगर सेंटेंस देखें, वेन सी खालिस्तान लिसन टू द रेडियो सी हियर ए लाउड साउंड, लाउड का अर्थ है जोर का, ठीक है। तो इसका अर्थ क्या है, वेन सी खालिस्तान लिसन टू द रेडियो, जब वह रेडियो सुन रही थी उसी टाइम उसने एक जोर की आवाज सुनी, ऐसा ही तो है। जब वह रेडियो सुन रही थी, वेन सी खालिस्तान लिसन टू द रेडियो, जब वह रेडियो सुन रही थी। देखो एक वर्ड होता है लिसन, एक वर्ड होता है हियर, दोनों मंत्र ये होता है। लिसन तो हम करते हैं सॉन्ग्स को, रेडियो को, ठीक है, जो चीज़ें हम इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के माध्यम से सुनते हैं ना, वो लिसन करते हैं, ठीक है। वो जो नॉर्मल आवाज होती है वो हियर होती है, एच ई ए आर, ठीक है, हियर। तो सी वेन सी खालिस्तान लिसन टू द रेडियो। अब देखो एक बात, दो नंबर पॉइंट इसका ये नोट कर लो, लिसन के साथ हमेशा टू लगना जरूरी होता है, ये कई बार पूछा जाता है, ठीक है। लिसन के साथ हमेशा क्या लगना जरूरी होता है बच्चों, टू, ये क्लियर कर लो आप, एल आई एस टी ई एन, लिसन टू आना जरूरी होता है। लिसन के साथ टू आएगा ही आएगा, हियर के साथ नहीं आएगा, लिसन के साथ आएगा। तो पॉइंट क्लियर हो गया आप लोगों का, वेन सी खालिस्तान लिसनिंग, तो इसमें क्या आएगा, वेन सी वोज L I S T E N I N G, when she was listening to the radio, जब वह रेडियो सुन रही थी, ये तो कंटिन्यूस में आ गया। सी इसकी सेकेंड फॉर्म लगा दो, heard, H E A R D, he, she heard a loud sound, जब वह रेडियो सुन रही थी तो उसने जोर की आवाज़ सुनी। हमने क्या सीखा है, खास इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ मैं, लिसन टू, ओके। नेक्स्ट देखा जाए, ए यंग गर्ल जंप्ड ऑफ द ट्रेन, एक जवान लड़की ट्रेन से कूद गई, जंप ऑफ, ध्यान से याद रखो, जंप ऑफ, ओ डबल एफ, ओ डबल एफ किसके लिए यूज किया जाता है, ये प्रीपोजिशन आपको सिखाएंगे, ओ डबल एफ का यूज किया जाता है सेपरेशन के लिए, ठीक है, एस ई पी ए आर ए टी आई ओ एन, और सेपरेशन का अर्थ क्या है, अलग होना, सेपरेट हो जाना, ठीक है। जैसे मैं एक सेंटेंस लिखूं, ही फेल खालिस्तान द हॉर्स, बहुत छोटा सेंटेंस लिखा है, ही फेल खालिस्तान द हॉर्स, वह घोड़े, फाल का अर्थ क्या होता है, गिरना, फाल फेल और फालन, फाल फेल और फालन, तीन प्रकार की वर्ब होती है। तो फेल ओ डबल एफ आएगा इसके साथ, ही फेल ऑफ द हॉर्स, वह घोड़े से गिर गया, ओ डबल एफ वहाँ पे आता है जब चीज़ें अलग हो जाती हैं, वह घोड़े से गिर गया इसका मतलब वो और जो घोड़ा थे वो अलग अलग हो गए। यहाँ पे लड़की जो है ये ट्रेन से कूद गई, कब, जब वह मूव कर रही थी, जब मूव करके चलना, तो मैंने आपको एक बात बताई, वाइल के साथ तो हमेशा क्या लगेगा, कंटिन्यूस टेंस आएगा, वाइल इट वॉज एम ओ वी आई एन जी, ई को हटा कर क्या लगा दो, आई एन जी लगा दो। बातें क्लियर हुई आप लोगों को। नेक्स्ट देखो, इट खालिस्तान रेन कैट्स एंड डॉग्स इन 2005 इन 2005, ठीक है, ये उधर वाली बातें मैं मिटा रहा हूँ एक मिनट के लिए, ठीक है, आपने नोट कर लिया होगा ये वाली चीज़, तो इसको मिटा रहा हूँ मैं। ओ डबल एफ ऑफ सेपरेशन के लिए यूज़ किया जाता है। अब देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इट खालिस्तान रेन कैट्स एंड डॉग्स, मैं पहले कैट्स एंड डॉग्स के क्लियर करवा देता हूँ, ठीक है। कैट्स एंड डॉग्स ये एक idiom है अंग्रेजी का, कैट्स एंड डॉग्स, इसका अर्थ होता है बहुत तेज बारिश होना, ठीक है, रेनिंग हेविली, आर ए आई एन आई एन जी, रेनिंग
हेविली, हेविली का अर्थ कहते हैं बहुत तेज, मूसलाधार बारिश होना, ठीक है। आप कुत्ता बिल्ली मत समझ लेना इसको, एडियम के रूप में अगर यूज हो रहा है ना, तो इसका अर्थ है मूसलाधार बारिश होना, ठीक है। एक नंबर पॉइंट तो ये हो गया हमारा। दो नंबर पॉइंट ये है, मैं ये बोल रूंगा ना इसको कि इट खालिस्तान रेन कैट्स एंड डॉग्स इन 2005, यानी कि बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी, तो इसमें ईडीएफ एक गलती हो रहती है, ठीक है। एग्जाम में आपको इसको एग्जाम में दिया मिलेगा लाइक कैट्स एंड डॉग्स, इस तरीके से आपको दिया मिलेगा लाइक कैट्स एंड डॉग्स। तो एक बात याद रखना, कैट्स एंड डॉग्स ये जो ईडियम के रूप में आए ना, तो इसके साथ कभी भी किस वर्ड का यूज नहीं होता है, लाइक का यूज नहीं होता है, ठीक है। मैं बोर्ड के ऊपर ज्यादा लिखने की जगह नहीं है, तो मैं ये ऊपर वाले दो तीन सेंटेंस ये मिटा के आपको समझाना चाहता हूँ मैं, ठीक है। ये तीन सेंटेंस मैं मिटा रहा हूँ। लिसन के साथ क्या लगता है हमेशा बताओ, वेरी गुड, लिसन के साथ क्या लगेगा, टू लगेगा, ठीक है। तो दो बातें सीखी हमने कैट्स एंड डॉग्स के विषय में, ठीक है। कैट्स एंड डॉग्स ये एक ईडियम है, ठीक है, ये क्या है, ईडियम है। वैसे मैं आपको ईडियम्स करवाऊंगा, ठीक है, अलग अलग प्रकार के ईडियम होते हैं, ठीक है, उन सबको करवाऊंगा मैं। रंगों से संबंधित ईडियम होते हैं, ठीक है, रंगों से संबंधित, जैसे मैं बोलूँ बीट ब्लैक एंड ब्लू, मैं जैसे बोलूँ इन द ब्लू, जैसे मैं बोलूँ आउट ऑफ द ब्लू, जैसे ब्लू आइट बॉय, तो ये बहुत सारे ईडियम होते हैं, ठीक है। जैसे रेड से बोले तो रेड लेटर डे, ठीक है, रेड कारपेट, रेड टेपिज्म, बहुत सारे वर्ड होते हैं, लेकिन इसका सेशन हम बीच में नहीं करेंगे, बीच में करेंगे तो ये चीज़ें हमारी यहीं से उलझ सकती हैं कुछ, इसीलिए मैं ईडीएम का जब सेशन करवाऊंगा उस टाइम आपको ये सारी बातें करवाऊंगा, ठीक है। तो एक थोड़ी सी इसमें जिक्र आ गया तो बता देते हैं, इसके साथ एक नंबर तो इसका अर्थ होता है रेनिंग हेविली, अगर कभी एग्जाम में आपको पूछा जाए रेनिंग हेविली, HEAVILY। दूसरा इसका, इसके साथ कभी भी लाइक कैट्स एंड डॉग्स, ये बात गलत है, इसके साथ कभी भी लाइक का यूज नहीं होता है। जैसे मैं बोलूँ इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, इट इज रेनिंग लाइक कैट्स कैट्स एंड डॉग्स नहीं बोलेंगे। एक बात, दो नंबर, एक एक idiom होता है बैग एंड बैगेज, बैग एंड बैगेज, इसका अर्थ होता है अपने पूरे साजो सम्मान के साथ जितना भी होता है, जैसे मैं परमानेंटली किसी जगह को छोड़ देना, जैसे मैं ऐसे बोलूँ कि आई एम लिविंग दिस सिटी बैग एंड बैगेज, यानी कि मैं ये शहर पूर्णतः छोड़ रहा हूँ। बैग एंड बैगेज का अर्थ क्या होता है, विद ऑल पजेशंस, सारी चीज़ों के साथ सब कुछ अपना वहाँ से उठा के ले जाना, या फिर इसका बोलेंगे लीव सम प्लेस परमानेंटली, यानी परमानेंटली किसी जगह को छोड़ देना। इसके साथ एक लगाया हुआ है, अगर आपके एग्जाम में कभी ये मिले ना कि विद बैग एंड बैगेज, ये सारे एसएससी में पूछे गए हैं इसलिए मैं बता रहा हूँ, विद बैग एंड बैगेज, तो कभी भी आपको विद इसके साथ नहीं लगाना है, विद वाला पार्ट आपको क्या करना है, गलत करना है, ठीक है। बैग एंड बैगेज सीधा आएगा, मैं ऐसे बोलूँगा आई एम लिविंग दिस सिटी विद बैग एंड बैगेज, तो ये गलत है, आई एम लिविंग दिस सिटी बैग एंड बैगेज, बैग एंड बैगेज मीन्स विद ऑल पजेशंस, मेरे सारे सम्मान के साथ छोड़ रहा हूँ, ठीक है। मैं सारा मैं यानी कहने का मतलब मेरे दोबारा यहाँ आने का मूड नहीं है इसीलिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इसके बारे में हम बात कर रहे थे कैट्स एंड डॉग्स, तो आपको समझ में आ गया होगा। इस तरीके का अगर आपको कोई टाइम दिया हुआ मिले, यानी पास्ट का कोई भी सन दिया हुआ मिले, तो उसमें हमेशा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ किया जाता है। ये बात मैं आने आपको वहाँ से मैं स्किप कर गया था भूल से, अब दोबारा बता रहा हूँ मैं। जब कभी पास्ट का कोई टाइम दिया हुआ मिले, ठीक है, जैसे कोई सन दिया हुआ मिले, पास्ट का कोई ईयर दिया हुआ मिले, ठीक है, तो हमेशा उसके साथ कौन सा टेंस लगेगा, पास्ट इनडेफिनिट, ठीक है। तो 2005 नाम आया, 2005 नाम आया, तो क्या करेंगे, इट वॉज रेनिंग, इट वॉज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स इन 2005, ठीक है, 2005 में मूसलाधार बारिश हो रही थी। नेक्स्ट देखें, सी खालिस्तान प्ले सॉरी पे पे हर फीस येस्टरडे, येस्टरडे नाम आ गया, तो आपको क्लियर पता है कि येस्टरडे नाम आती कौन सा टेंस लगेगा, पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है, ये मैं मिटा रहा हूँ, मैं आपने चीज़ें लिख ली होंगी अभी तक। तो देखो येस्टरडे जैसे ही नाम आया प्यारे बच्चों, तो कौन सा टेंस लगेगा, पास्ट इंडेफिनिट, और पास्ट इंडेफिनिट में मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है, सेकंड फॉर्म लगती है, पे की सेकंड फॉर्म क्या होती है, पेड, पी ए आई डी, पी ए आई डी, पी ए वाई, पे पे मीन्स होता है प्यारे बच्चों सुकाना, पे मीन्स क्या होता है सुकाना, पी ए आई डी पेड एंड पी ए आई डी पेड, पे पेड और पेड, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अवर पब्लिशर, अब जो यहाँ से जो सेंटेंस शुरू हो 17 नंबर से, अभी तक तो हम सीख रहे थे पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कंटिन्यूअस के जुड़े,
ठीक है। अब हम आगे सीखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूस के जोड़े। देखो ध्यान से, बातों को सुनो गौर से, ये वाली सारी बातें मिटा दूं मैं, अगर आपने इसको नोट कर लिया हो तो ठीक है, अगर नहीं किया तो कर लेना ठीक है। 16 नंबर तक सब कुछ मैं मिटा रहा हूँ। हमने क्या सीखा है, केट्स एंड डॉग्स कार के अंदर रेनिंग हेवीली, केट्स एंड डॉग के साथ कभी लाइक नहीं लगता है। दूसरा सीखा है बैग एंड बैगेज, इसका अर्थ क्या होता है, लिव सम प्लेस परमानेंटली विद ऑल पजेशंस, उसके साथ कभी विद नहीं लगता है। एक सीखा है हमने लिसन के साथ हमेशा टू लगता है। एक सीखता है ओ डबल एफ ऑफ का अर्थ क्या होता है, सेपरेट हो जाना, अलग हो जाना। अब बातें करेंगे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूस की एक साथ, प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड प्रेजेंट कंटिन्यूस की जोड़ी, ठीक है। अभी तक तो हमने किया था कि जब मैं ऐसा कर रहा था तो ऐसा हुआ, अब हम करेंगे जनरली यह होता है लेकिन आज ऐसा हो रहा है, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड प्रेजेंट कंटिन्यूस के जुड़े। अब ध्यान से देखो इस वाक्य को, अवर पब्लिशर, पब्लिशर का जानते हैं ना, प्रकाशक, जो प्रकाशक होता है बुक्स का और का, ठीक है। अवर पब्लिशर जनरली, क्या नाम आया प्यारे बच्चों, जनरली, और जनरली कौन से टेंस का एडवर्ब होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, मैंने आपको बताया था। देखो जो सामान्यतः है, जनरली का क्या है, सामान्यतः, यानी कि जो सामान्य जो बातें होती हैं जनरली ऐसा होता है, ठीक है। अवर पब्लिशर जनरली स्पीक हिंदी, हमारे पब्लिशर सामान्य तो क्या बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं, बट टुडे, परंतु आज सी खालिस्तान स्पीक इंग्लिश, परंतु आज वो क्या बोल रहे हैं, इंग्लिश बोल रहे हैं, आज इंग्लिश बोलते हैं, ऐसा नहीं, आज इंग्लिश बोल रहे हैं, ठीक है। तो देखो दो प्रकार के सेंटेंस हो गए, एक तो हिंदी तक का और एक हो गया टुडे से आगे तक का, ठीक है। तो अवर पब्लिशर जनरली क्या आएगा इसमें, स्पीक्स, एस पी ई ए के एस, अवर पब्लिशर जनरली स्पीक्स हिंदी। देखो अवर पब्लिशर जो है वो सिंगुलर है, ठीक है, और जब सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो उसके साथ क्या लगता है, एस या ई एस लगाना जरूरी होता है, ठीक है। जब किसी भी वाक्य का अगर सब्जेक्ट अगर सिंगुलर हो तो जो वर्ब होती है उसके साथ क्या लगाना पड़ता है, एस या ई एस। नेक्स्ट देखते हैं, बट टुडे, टुडे नाम कौन से टेंस का है, प्रेजेंट कंटिन्यूस का, तो सी इज स्पीकिंग। ये वाले सेंटेंस भी कई बार पूछे जा चुके हैं, ठीक है, बातें क्लियर हुई होगी आप लोगों को। नेक्स्ट देखते हैं, माई डॉग बार्क ए लॉट, बी ए आर के, बार्क का अर्थ होता है बच्चों भौंकना, बी ए आर के, बार्क, बार्क मीन्स क्या होता है, भौंकना, बार्क की सेकंड फॉर्म होती है बार्क, एंड थर्ड फॉर्म क्या होती है, बार्क। मैंने आपको बताया भी था एक सेंटेंस, जैसे बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट, भौंकने वाले कुत्ते काटते नहीं है, मीन्स गरजने वाले बरसते नहीं है, ठीक है। तो देखो माई डॉग बार्क ए लॉट, मेरा कुत्ता बहुत ज़्यादा भौंकता है, बट ही खालिस्तान नॉट बार्किंग एट दिस मोमेंट, परंतु एट दिस मोमेंट इस क्षण वो नहीं भौंक रहा है, इस पल तो वो बिल्कुल नहीं भौंक रहा है, यानी कि कुत्ते की आदत है भौंकना लेकिन अब नहीं भौंक रहा है। तो दो बातें होगी ना, एक तो आदत वाली होगी, एक कौन सी होगी, कंटिन्यूस वाली, ठीक है। तो माई डॉग, और माई डॉग सिंगुलर है या प्लूरल है, बिल्कुल सिंगुलर है, माई डॉग यहाँ पे क्या आएगा, बार्क्स, बी ए आर के एस, क्योंकि सिंगुलर के साथ एस ए एस लगना जरूरी होता है। बार्क्स ए लॉट, ए लॉट का अर्थ है बहुत ज़्यादा, इसमें से भी क्वेश्चन पूछ जाते हैं, देखो या तो होता है ए लॉट ऑफ, ठीक है, या फिर होता है लॉट्स ऑफ, ठीक है, या फिर होता है ए लॉट। अब गलती क्या आती है तीनों में, ध्यान से देख लो, या तो आता है ए लॉट ऑफ, या होता है, लिख देता हूँ दोबारा, लॉट्स ऑफ, या होता है ए लॉट, तीन प्रकार के फ्रेज होती हैं। गलती ये आती है आपके एग्जाम में, ए लॉट्स ऑफ, क्या ये फ्रेज आपको सही लग रही है क्या, ए लॉट ऑफ तो देखा है लेकिन ए लॉट्स ऑफ कभी होता है क्या, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, कैसे ए लॉट्स ऑफ कभी नहीं होता, जब ए ही लगा दिया तो सिंगुलर तो पक्का ही है, तो फिर उसके साथ एस लगाने का मतलब नहीं है, ये एस क्या है यहाँ से गलत है, इसकी सही फ्रेज क्या बनेगी, ए लॉट ऑफ। बातें क्लियर हुई, तो माई डॉग बार्क्स ए लॉट बट ही इज नॉट बार्किंग, बी ए आर के आई एन जी, माई डॉग बार्क्स ए लॉट बट ही इज नॉट बार्किंग। हमने क्या सीखा है यहाँ तक, ये बातें सीखी हैं छोटी छोटी बातें, ए लॉट्स ऑफ कभी नहीं होता है, क्या होता है, ए लॉट ऑफ हो सकता है या फिर लॉट्स ऑफ हो सकता है, दो फ्रेज हो सकती हैं, ठीक है। तो माई डॉग बार्क से लॉट, मेरा कुत्ता बहुत ज़्यादा भौंकता है, बट ही इज नॉट बार्किंग एट दिस मोमेंट, एट दिस मोमेंट मतलब इस क्षण, ये तो प्रेजेंट कंटिन्यूस का है, मैंने आपको कल ही बताया था, तो कंटिन्यूस टेंस करवाते टाइम, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, सी नेवर वियर ए रिंग, वह कभी रिंग नहीं पहनती है, नेवर का अर्थ क्या है, कभी नहीं पहनती, इसका मतलब ये उसकी आदत है रिंग नहीं पहनना, बट टुडे सी खालिस्तान वियर ए रिंग, परंतु आज उसने एक रिंग पहन रखी है। तो सिंपल सी बात है, ये वाला जो वाक्य है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है और ये वाला जो वाक्य है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में है, ठीक है। तो सी नेवर वियर्स, एस लगेगा क्योंकि सी हमारा जो सब्जेक्ट है ना ये सिंगुलर है, बट टुडे सी इज
वियरिंग, बट टुडे सी इज वियरिंग। बातें क्लियर हो रही होंगी आप लोगों को। नेक्स्ट देखते हैं इट नॉर्मली, नाम क्या आया प्यारे बच्चों, नॉर्मली। नॉर्मली का अर्थ क्या होता है, जनरली नॉर्मली की बात है। रेन्स इन जुलाई, यानी इट के साथ तो सिमिलर आएगा, ई सी इट। सामान्यतः जुलाई में वर्षा होती है, बट इट खालिस्तान रेन नाउ, परंतु अब वर्षात हो रही है। देखो ये तो बात है कि सामान्यतः वर्षा जब होती है ये जुलाई में होती है, ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, लेकिन अभी वर्षा हो रही है ये किसका है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है। तो बट इट, इट के साथ क्या लगाएंगे, इज, और रेन का क्या लगाएंगे, रेनिंग, आर ए आई एन आई एन जी। नेक्स्ट देखते हैं माई वाइफ एंड आई, माई वाइफ एंड आई गो टू सिनेमा एवरी सैटरडे। क्या नाम आया बच्चों, एवरी सैटरडे। एवरी नाम आती कौन सा टेंस लगता है हमेशा, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो सिंगल वाक्य अकेला, और इसमें तो क्या आएगा, माई वाइफ एंड आई। बट भाई इसका सब्जेक्ट देखो सिंगुलर है या प्लूरल है, मुझे लग रहा है प्लूरल, क्योंकि दो जने हो गए ना, इसीलिए इसमें क्या आएगा, गो टू सिनेमा एवरी संडे, एवरी सैटरडे। सॉरी बातें क्लियर हुई। एक छोटी सी बात और बता देते हैं, मैं इस फ्रेज को उठा रहा हूँ, माई वाइफ एंड आई, माई वाइफ एंड आई, ये जो माई वाइफ है ना, ये तो सी हो गया ना, इसका प्रोनाउन देखें तो सी होगा, ठीक है, एंड क्या हो गया, आई। देखो ये दोनों ही क्या हो गए अपने आप में, प्रोनाउन हो गए। छोटी सी बात है, बड़ी इंपॉर्टेंट है, प्रोनाउन हो गए। देखो प्रोनाउन के तीन पर्सन होते हैं, ठीक है, प्रोनाउन को अगर देखा जाए, वैसे प्रोनाउन में पढ़ाएंगे आपको जो पार्ट्स ऑफ स्पीच करवाएंगे, प्रोनाउन के तीन पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन कौन कौन से होते हैं, आई और वी वाली लाइन फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत आती है, जैसे आई माई मी और वी अवर अस। वहीं अगर सेकंड पर्सन देखें तो यू वाली लाइन आती है, और थर्ड पर्सन देखें तो ही वाली, सी और इट वाली और दे वाली, ठीक है। ये आपको प्रोनाउन में ज़्यादा अच्छे से करवाएंगे, ये वाली लाइन जो है वो थर्ड पर्सन के अंतर्गत आती है। मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ बच्चों, प्रोनाउन में आई माई मी और वी अवर अस फर्स्ट पर्सन, You, your, you, second person, he, his, him, she, her, her, it, its, it, और they, their, them। ये pronoun की एक सारणी होती है, एक टेबल होती है, pronoun में आपको बहुत अच्छे से इसको करवाया जाएगा, ठीक है। तो अगर एक साथ इन pronoun का लिखना पड़े, इनका एक नियम होता है, अगर सब्जेक्ट ग्रुप में एक साथ लिखना पड़े, जैसे हमने यहाँ पे लिखा है ना, देखो सी एंड आई को दोनों को एक साथ लिखा है, माई वाइफ अपने आप में सी है, तो सी तो कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन प्रोनाउन का, और आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। अगर इनको एक साथ लिखना पड़े ना, तो एक नियम अप्लाई होता है, उस नियम पे बहुत सारे क्वेश्चन आ चुके हैं आज तक, वो होता है 2-3-1 का रूल। अच्छा 2-3-1 से क्या समझे आप, 2-3-1 का अर्थ है पहले सेकंड पर्सन आएगा, फिर थर्ड पर्सन आएगा, फिर फर्स्ट पर्सन आएगा, ठीक है ना। अगर दो हो तो इसी हिसाब से, अगर सेकंड और थर्ड दो ही आए हैं तो पहले सेकंड लिखो फिर थर्ड लिखो, अगर थर्ड और फर्स्ट दोनों आए हैं तो पहले को थर्ड को लिखो फिर फर्स्ट को लिखो, और अगर तीनों एक साथ आए हैं तो पहले सेकंड को लिखो फिर थर्ड को लिखो और फिर फर्स्ट को लिखो। अब देखो हमारे पास दो सब्जेक्ट आए, दो प्रोनाउन आए, सी और आई। मैं इसको, इस फ्रेज को अगर इस तरीके से लिख दूँ तो, मिटा दूँ इस चीज़ को, अगर इस तरीके से लिख दूँ तो आई एंड माई वाइफ, आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, माई वाइफ कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन। तो एक और तीन का तो कोई नियम ही नहीं है हमारे पास, एक और तीन का नियम नहीं है, किसका नियम है, तीन और एक का। ये गलती दी जाती है, ये क्या है, गलत है, ऐसा नहीं लिखा जाता, इसको ऐसे ही लिखना पड़ेगा, माई वाइफ एंड आई। जैसे मैं एक सेंटेंस का एग्जाम्पल और दूँ आप लोगों को, सी यू एंड आई, क्या ये सही लिखा हुआ है क्या मेरा, एक बार देखिए जरा, सी कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन, यू कौन सा है, सेकंड पर्सन, एंड आई कौन सा है, फर्स्ट पर्सन। 3-2-1 का कोई रूल है क्या हमारे पास, बिल्कुल नहीं है, हमारे पास तो रूल क्या है, 2-3-1 का। इसलिए पहले किसको उठाना पड़ेगा अपने को, दो को उठाना पड़ेगा, और दो क्या है हमारे पास, यू, तीन क्या है, सी, एंड एक क्या है, आई। ये वाला सही फॉर्मेशन है, इसका स्ट्रक्चर ये सही है। हमने क्या सीखा है, प्रोनाउन के तीन पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में आता है आई और वी की लाइन, सेकंड पर्सन में आती है यू की लाइन, थर्ड पर्सन में आती है ही, सी, इट और दे। अगर इन तीनों प्रोनाउन में से या तो किसी दो को या तीनों को एक साथ लिखना पड़े, तो हमेशा एक रूल फॉलो होता है 2-3-1 का, ठीक है। पहले सेकंड पर्सन लिखो फिर थर्ड पर्सन लिखो बच्चों, और फिर कौन सा पर्सन लिखो, फर्स्ट पर्सन। मेरे हिसाब से बातें समझ में आ गई होंगी, हो सकता है आज आपने बहुत सारा कुछ नया भी सीखा होगा, ठीक है। तो हमने क्या सीखा आज, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का जोड़े,
पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कंटिन्यूस के जुड़े बहुत सारी बातें इस वीडियो में आपको मेरे हिसाब से बहुत अच्छी बातें आपको मिलेंगी एक बार इसको देखोगे तो, ठीक है। नेक्स्ट जो सेशन आपको करवाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में आपको वर्ब्स और परसेप्शन का एक अलग से वीडियो बनाऊंगा और बहुत शानदार तरीके से आपको उसको समझाया जाएगा। तब तक के लिए आप सुपर आरपी इंग्लिश चैनल को देखते रहिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।